जाए आजी साहब तुम दोनों को ढूंढ रही है, बहुत क्रोध में है। और इंदु दीदी को मेहंदी लगाने जा रहे हैं। हे देवा, क्या करे? ऐसे गए तो बहुत डांट पड़ेगी। तुम सब लोग जाओ और किसी से कबड्डी के बारे में मत कहना, जल्दी जाओ। चलो छुपके छुपके पीछे से जाएंगे। हे देवा, जाओ जल्दी जाओ। अरे जाने से पहले हाथ मुंह धो लेना, और सुनो, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम यहाँ कबड्डी खेल रहे थे। जाओ जल्दी जाओ जल्दी। ये हम जीत गए, ये हम जीत गए, ये हम जीत गए, हार का बनाने वाले हार गए, बनाने वाले हार गए। राज, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। जो हमारा सिद्ध कवच गंगा में खो गया था। जी महाराज। वही कवच उस लड़की के गले में था, हम उसका चेहरा नहीं देख पाए, परंतु वो इसी दिशा में गई है। क्षमा कीजिएगा महाराज, इतनी सारी लड़कियों में कैसे पता चलेगा कि वो लड़की कौन है? चेहरा तो हम भी नहीं देख पाए। आप इन लड़कों से पूछो कि वो लड़की कौन थी जिसे अभी भी सब लड़कियों ने अपने गोदी में उठा लिया था। वो जो कबड्डी खेल रही थी वो कौन लड़की थी? वो तो सब लड़की वालों के परिवार की थी। अरे नहीं नहीं, वो नहीं, जो लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रही थी वो कौन थी? वो भी पेशा परिवार की ही कोई लड़की है। कहाँ थे तुम दोनों? पूरे महल में देख चुकी,
वो अजी साहब हम वेनी के लिए फूल लेने गए थे। तू चुप कर, मैं मनु से बात कर रही हूँ। बता मनु। जी अजी साहब, हम फूल लेने गए थे। मालन के पास फूल लेने गए थे, इसमें इतने बाल कैसे बिखर गए? और ये बाल थी, ये क्या? तेरे बाल तो गीले हैं। आजी साहब, हम मालवन की माने गए थे, बगीचे से फूल तोड़ने गए थे। पता है वहाँ पे बहुत कीचड़ था और मेरा पैर फिसल गया। हाँ। मनु जी मुझे बचाने के लिए आगे बढ़ी, फिर हम दोनों कीचड़ में गिर गए। फिर हम घर आए, हाथ मुँह धो के कपड़े बदल के यहाँ आए। इससे देर हो गई, तो रात जो हो हम फिर डांटती हो। मनु, ये सत्य है? बहनी साहब, जाने दीजिए ना। आओ, मैं तुम दोनों को मेहंदी लगा दूं अपने हाथों से। मेहंदी? मैं नहीं लगवाऊंगी। क्यों? बेटा, शादी का घर है, मेहंदी तो तुम्हें लगानी पड़ेगी। आओ, मैं अपने हाथों से तुम्हें मेहंदी लगा। तुम्हारी हथेली दो। मैं तुम्हारे हाथों में तुम्हारा नाम लिखती हूँ, मनु। और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें वर भी माँ अक्षर वाला मिले। तुम्हारे भाग्य में ग अक्षर का ही वर लिखा है। उसके पति का नाम भी अवश्य गणेश ही होगा। बात पता करने में समस्या आ रही है आपको? महाराज, आपके इस सेवक ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, परंतु केवल यह पता लगा है कि वो कवच बाजीराव पेशवा के किसी सेवक की पुत्री के पास है। तो बुलाओ उस सेवक को और ले लो उसे, उसे जो चाहिए दे दो। क्षमा कीजिएगा महाराज, यह अत्यंत संवेदनशील मामला है। दरअसल आपके और बाजीराव पेशवा के संबंध। इस बात का उनसे क्या संबंध? आप तो जानते हो कि वो कवच हमें हमारे प्राणों से भी प्रिय है। तुम नहीं जानते रघुनाथ, मेरी स्वर्गवासी पत्नी की वो अंतिम भेंट थी। हमें वो कवच चाहिए, कैसे भी, किसी भी तरह। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अगर जान को ये एहसास होता कि न जाने कब से एक चकोर उस पर निसार हुआ जा रहा है, तो यकीनन जान उसकी बाहों में होता।
ये मत लिखना। लिखो इंतजार, आपका इंतजार। और अब इस इंतजार का असर धड़कनों पे पड़ने वाला है। मैं आपको ला, खाते धर ला। फौरन कासिद को दे दो, तो आज ही इसे महाराज गंगाधर राव तक पहुंचा दे। जी ए दिगंबर, संदेश वहां का भी है? हाँ, अभी वो प्रधानमंत्री जी के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। अच्छा सुनो, ये पत्र तत्काल संदेश वाहक तक पहुंचा दो। किसका है? मोतीबाई का है, इसे शीघ्र महाराज गंगाधर राव तक पहुंचाना है। दो मुझे। हम लोग कब तक महाराज की प्रतीक्षा करें तात्या जी? भोपटकर जी, इसके अतिरिक्त हम कर ही क्या सकते हैं? ये क्या लेकर आए हो? श्रीमान, ये पत्र मोतीबाई महाराज को संदेश वाहक के द्वारा भिजवा रही थी। ये मुझे दो और तुम जाओ। ईश्वर, क्या है इस पत्र में? आप स्वयं पढ़ लीजिए। यह तो होना ही है दीक्षित जी। इससे पहले की बात और बिगड़ जाए, हमें शीघ्र सफीपुर जाकर महाराज से संपर्क करना चाहिए और महाराज का विवाह मणिकर्णिका से कर देना चाहिए। हमें यही करना होगा। रघुनाथ जी, प्रणाम। आप यहां? सब कुशल मंगल तो है? कोई आज्ञा हो तो बताइए। मोरोपन जी, एक गंभीर समस्या है। भगवान ना करे, कैसी समस्या रघुनाथ जी? हमारे महाराज गंगाधर राव जी का सिद्ध कवच खो गया है। हे देवा, मैं अभी पता करने का प्रयास करता हूँ। आप केवल प्रयास करने से कुछ नहीं होगा मोरोपन जी, वो कवच उन्हें प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है और महाराज ने स्वयं महल के किसी कन्या के गले में वो कवच देखा है। क्या, कहाँ देखा है? कुछ कन्याएं कबड्डी खेल रही थी, वहां देखा। रघुनाथ जी, संभवतः कोई भ्रम हुआ है, यहाँ कौन कबड्डी खेलेगा? मोरोपन जी, आंखों देखी हुई बात भ्रम नहीं होती, यकीन मानिए। यदि वो कवच हमारे महाराज को नहीं मिला तो समस्या अत्यंत गंभीर हो सकती है। रघुनाथ जी, कवच कहाँ देखा है? कहीं तो देखा है अवश्य।
अरे क्या हुआ मोरूपंत, इतने विचलित क्यों लग रहा? वहनी साहब, झांसी नरेश गंगाधर राव का सिद्ध कवच कहीं खो गया है और वो उन्होंने स्वयं इस महल के किसी कन्या के गले में देखा है। क्या? वहनी साहब, दुर्गा माता का वो सिद्ध कवच झांसी नरेश गंगाधर राव को अत्यंत प्रिय है। दुर्गा माँ का हार तुम्हारे गले में कैसे? लगता है गंगा मैया ने मुझे उपहार में दिया है। याद आया, वो कवच मनु को मिला था और वो उसे पहन भी रही है। ये देखिए बाबा, मैं यही स्नान कर रही थी, अपने आप मेरे गले में आ गया। मेरी साहब, ये वही कवच है। चलो मनु, क्या हुआ आजी सर? मनु, तुम्हारे गले में जो कवच था वो देना, कहाँ है? क्यों है मेरे पास, ये देखिए। क्या हुआ? हाँ पापा, यही था। अरे कहाँ है? यही है। अरे कहाँ गया? ठीक से देख। अरे पिता, वो कवच झांसी नरेश गंगाधर राव का है और वो उसे ढूंढ रहे। कहाँ रखा तूने? कहीं गिरा तो नहीं दिया ना? मनु, अरे कहाँ गिरा दिया?